हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मड आइलैंड के बीच पे आया हूँ और आप देख सकते हैं इधर आदमी लोग तो कम है पर हम लोग ने जो कचरा फैलाया है वो ही ज़्यादा है। आप सबको पता रहेगा कि मड में ज़्यादा क्राउड नहीं रहता, ज़्यादा पब्लिक रहते नहीं है, सो इधर पब्लिक कचरा नहीं करते, पर हम लोग जुहू में या वर्सोवा में जो कचरा करते हैं वो सब कचरा बह के इधर आ जाता है। ये देखो, हम समुंदर से एक चीज़ सीख सकते हैं, लाइफ लेसन एक सीख सकते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं वो घूम फिर के वापस अपने पास ही आने वाला है। जैसे आप ये कचरा देख सकते हैं, पूरा बीच कचरे से भरा पड़ा है। फिर इसका मेन रीज़न क्या है, जो कचरा हम दूसरी जगह करते हैं वो जाके घूम फिर के वापस इधर ही आ रहा है। आप सबको पता है तो वी मुंबई कर्स आर वन ऑफ द लकीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमारे पास मड आइलैंड, वर्सोवा, बैंड्रा इन जैसे बहुत अच्छे क्वालिटी के बीचेस अपने पास है। पर हम लोग ने क्या करके रखा है, आप इधर पीछे देखो, एटमोसफेयर बहुत अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है। आपको इधर आओगे और अगर आपने कचरे वाला बीच नहीं देखा है तो आपको लगेगा चलो हम लोग स्वर्ग में आ गए, पर जैसे आप ये प्रेशियस नेचर ने जो प्रेशियस चीज़ दी है उससे हट के इधर बीच पे आओगे और जो कचरा देखोगे तो लगेगा किधर गंदगी में आ गए हम लोग। अच्छे खासे मूड की अगर हम लोग ने ये बीचेस क्लीन रख दिए तो ऑब्वियसली इंडिया में टूरिज़्म बढ़ेगा। टूरिज़्म इंडिया का छोड़ दो, अपने दिल को खुशी मिलेगी। हम लोग जो भाग के बाहर जाते हैं ना, बाहर के कंट्रीज़ में, इन लोग के बीचेस अच्छे हैं, इन लोग के इधर अच्छी खासी कचरे की ये होती है, कचरा निकाल देते हैं, कचरा तो अपने पास भी होता है, उल्टा वर्ल्ड में सबसे अच्छा कचरा निकालना मुंबई से, सिटी से कचरा हटाना मुंबई में होता है। पर कचरा करता कौन है, म्यूनसिपाल्टी तो नहीं करती कचरा, कचरा हम लोग ही करते हैं। तो हम लोग की ये क्या बोलते हैं, नैतिक जिम्मेदारी है कि कचरा हम लोग आगे से ना करें, क्योंकि लॉकडाउन में सब पता चल गया कि 60% वर्ल्ड का पॉपुलेशन कम हुआ है, 60% वर्ल्ड का पॉल्यूशन कम हुआ है, 60% बढ़ेगा, पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, सब लोग घर पे क्या कर रहे थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे वर्सोवा बीच पे मास्क क्लीनअप का ड्राइव चला था वैसे हम लोग भी कर सकते हैं। सब लोग आके इधर बीच पे तो नहीं कर सकते ना क्लीनअप, पर सब लोग अपने दिमाग पे जो मास्क चढ़ा है, जो गंदगी का मास्क चढ़ा है कि मेरे करने से क्या होगा, मैं अकेला कचरा थोड़ी फेंकता हूँ, पूरा दुनिया फेंकती है, पर अगर आप अकेले ने कचरा फेंका तो क्या होता है, ये आपके अकेले का कचरा है ना, को और ऐसा एक एक करके पूरा बीच खराब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो अपने दिमाग पे मास्क है वो मास्क इसी मास्क जैसा निकालना है। लॉकडाउन ने हमें एक मौका दिया है कि सब चीज़ें एटलीस्ट 50% पे जो आई है 90% से जो हमने बेकार कर दी थी, तो 50% से हमें चांस मिला है उधर से और नीचे लाने के लिए, और दिस इज डूएबल, हम लोग सब मिलके ये कर सकते हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप जाए कचरा इधर उधर मत फेंके, म्यूनसिपाल्टी कितना साफ करेगी, पूरा दुनिया थोड़ी साफ करेगी, समुंदर आखिर में आके सब चीज़ें इधर ही अपने पास ही डाल देती है, क्या क्या साफ करेगी, ये कचरा तो साफ कर देगी, आपके दिमाग के कचरे का क्या। एक मौका मिला है उसको अच्छे से यूज़ करो, हेल्थ पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, जिस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो उस चीज़ पे ध्यान दो।
और इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। आप सबको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना ज़रूरी है, सब लोग जो बाहर घूम रहे हैं ना कि लॉकडाउन ओपन हो रहा है, अनलॉक 1.0 चालू है, पर आपको सबको पता होना चाहिए बाहर जो रिस्क है, कोरोना वायरस का रिस्क है, वो कम नहीं हुआ है। अपनी इकोनॉमी ख़राब हो रही है, इसलिए हमें चालू करना ही पड़ रहा है। तो जब भी आप बाहर जाए आपको ये मास्क लगाना ज़रूरी है। ये मास्क लगाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, पर ये मास्क हटाने से, अंदर की गंदगी हटाने से ज़रूर फ़र्क पड़ता है।